बहुत मजे की पार्टी थी। ये कैसी पार्टी है? तुम्हारे दोस्तों ने मुझे इनवाइट तक नहीं किया। नहीं, उन्होंने बुलाया था, मैंने आपको नहीं बताया। क्यों? अरे आपकी ऑफिस का पहला दिन था, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रही थी। वैसे भी बहुत लोग चाहते हैं कि आप रुक जाएं इस चीज में। और दूसरी बात, मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी कि मेरे शौहर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके पास छोटी मोटी पार्टी के लिए वक्त नहीं है। ये तो बहुत समझदारी दिखाई दी। मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरी दोस्तें अब डिनर के लिए आना चाह रही हैं, वो मेरा घर भी देखना चाहती हैं। वो प्रॉब्लम ऐसा इंतजाम करूंगा कि याद रखें। और एक काम करूंगा, अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लूंगा। मगर आंटी जी और जेठ जी को कोई मसला तो नहीं होगा? तुम्हें क्या मसला होगा? लेकिन जब मेरी जेठानी को पता चलेगा तो वो जरूर रुकावटें डालने की कोशिश करेगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं हूँ ना, सब सुना लूँगा। कनीज को चाय का कहेंगे? मैं बोल के आता हूँ अभी। नहीं चलें, आप क्या याद करेंगे, आज मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। तुम चाय बनाओगी? जी। पूरा दिन किचन में घुसी क्या करती रहती? नूर साहिबा बड़ी बहू के लिए जूस बना रही थी। बड़ी बहू, बड़ी बहू, हर वक्त उसी के नखरे उठा रही होती है। तो घर में और भी लोग? जी मैडम साहिबा का हुक्म है कि बड़ी बहू माँ जो बनने वाली है उनका खास ख्याल। सब कुछ छोड़ दो, अभी जो मैं कह रही हूँ। जी जल्दी से मेरे और असम साहब के लिए 2 कप चाय लाओ। जी साथ में कुछ खाने के लिए भी लाना। जी बेहतर। 10 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। जी। और ये सब अभी छोड़ दो, बाद में होगा। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कहीं, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कहीं, ख्वाब और ख्वाहिशें दिल नशी चाहते, संग संग तुझे चले। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ बेकार और ठुकराई हुई चीजें लिखी हैं? मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत, दुनिया का झूठा तरीन लफ्ज मोहब्बत। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है। रास्ते भी खो गए, सो गए।